हेलो दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश साहनी और स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रायोगिक ज्ञान में। हम एक वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं फॉर लर्निंग कंप्लीट सीएसएस। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा एंकर की शूडो क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कलर्स एंड बैकग्राउंड से रिलेटेड सीएसएस की प्रॉपर्टीज़, जिसके लिए हमने एक स्मॉल फाइल बनाई है colors.html, जो आप यहाँ देख सकते हो। तो अगर आपको कलर्स देना है तो मान लीजिए हमारे पास ये H1 है और इसको हमने कुछ ID दे दी है जिसका नाम है हेडिंग, ठीक है। तो हेडिंग को आपको क्या करना है, CSS लगानी है। तो आप यूज़ कर सकते हो ID सेलेक्टर हैश और यहाँ पे आप लिखते हो कलर। अगर आपको कलर का नाम पता है तो आप सिंपली कलर का नाम दो और रिफ्रेश करो पेज को, यहाँ पे आपको वो इफ़ेक्ट दिख जाएगा। आप अलग अलग तरीके से कलर दे सकते हो, जैसे कि अगर आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पे कलर अप्लाई हुआ है। आपको अगर कलर कोड पता है किसी का तो आप कलर कोड भी दे सकते हो, जैसे यहाँ से आपने कलर कोड कुछ निकाला, अगर आपको ये कलर चाहिए या फिर आपको ये कलर चाहिए तो यहाँ पे आप कलर कोड देख सकते हो। ये कलर कोड कॉपी करो, यहाँ पे आपको क्या करना है, पेस्ट करना है, ठीक है, हैश देन कलर कोड। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो दो इनिशियल दो कैरेक्टर्स हैं, ये रेड कलर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं रेड कलर को, फिर बाद में ये ग्रीन कलर को और लास्ट के जो दो हैं वो ब्लू कलर को, इसे कहते हैं RGB, ठीक है। तो जब आप इसको रिफ़्रेश करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपका कलर ये चेंज हो चुका है। दूसरा तीसरा तरीका क्या होता है कि आप इसको तीन कैरेक्टर्स में भी दे सकते हो, ठीक है, या तो 6 कैरेक्टर या फिर 3 कैरेक्टर्स। मान लीजिए हमने यहाँ पे किया F या फिर 5 एंड 2, ऐसा कुछ। तो जो भी इस कॉम्बिनेशन से जो कलर कोड बनेगा वो कलर आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो ये रेड कलर का आ रहा है, इस तरह से आप कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हो। या फिर आपके पास एक फंक्शन है RGB, ठीक है। RGB फंक्शन में आपको तीनों पैरामीटर पास करने होते हैं, जैसे हमने यहाँ पास कर दिया 55 रेड के लिए, ग्रीन के लिए एंड ब्लू के लिए। तो इससे जो भी कलर कोड बनेगा वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख रहे हो, अगर मैं इसे F कर दूं तो ये थोड़ा सा रेडिश जैसा दिखेगा। F नहीं कर सकते हम, यहाँ पे मैक्सिमम जो होता है वो 255 का होता है, तो 255 मतलब हो जाएगा आपका रेड के आसपास। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। तो आपके पास तीनों ऑप्शंस हैं, जो आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हो। आप डायरेक्टली कलर का नाम दे सकते हो या कलर का कोड दे सकते हो 6 कैरेक्टर में या 3 कैरेक्टर्स में, या फिर आप RGB फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही कलर्स के रिगार्डिंग। अगर आपको इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए आपके पास ऑप्शन है बैकग्राउंड और यहाँ पे कलर, ओके। तो बैकग्राउंड कलर में आप सेम वही कलर का नाम दे सकते हो, जैसे मान लीजिए आपको ग्रे करना है, जो बैकग्राउंड उसे ग्रे करना है, तो इस तरह से इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया। उसके बाद आता है अगर बैकग्राउंड में कुछ अगर आपको इमेज डालनी है, मान लीजिए हमारे पास ये बॉडी है और बॉडी को हमें इमेज लगानी है, बॉडी यहाँ पे आपने किया बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। और इमेज में आपको देना है, अभी हमारे पास यहाँ कोई इमेज नहीं, बट HTML फोल्डर के अंदर हमारे पास एक इमेज है, तो हम इसको बोलेंगे। यहाँ पे आप URL फंक्शन मिलता है आपको, URL फंक्शन में आपको बताना होता है कि आपकी इमेज फाइल कहाँ है। तो हम कहेंगे कि एक डायरेक्टरी बैक जाओ, उसके बाद आपको फोल्डर मिलेगा HTML, उसके बाद आपको फोल्डर मिलेगा IMG, उसके बाद आपको फाइल मिलेगी mobile.jpg। मैं आपको दिखा देता हूँ, HTML के अंदर IMG, उसके अंदर mobile.jpg, जो हमने HTML में यूज़ करी थी सेम फाइल। तो ये फाइल यहाँ पे है और हम इसको बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं, किसको, बॉडी को। जैसे आप इस पेज को रिफ्रेश करोगे यहाँ पे आप देखोगे कि बैकग्राउंड में आपको इमेज आ गई है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो बैकग्राउंड में इमेज है रिपीट हो रही है, इमेज तो एक ही है बट यहाँ पे दो बार दिख रही है। तो अगर आपको ये रिपीट करना है कि नहीं करना है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बैकग्राउंड रिपीट, ये प्रॉपर्टी है। और इसमें आप इस प्रॉपर्टी में वैल्यू डाल सकते हो, अगर आपको रिपीट करानी है तो एक्स पे करानी है, वाई पे करानी है या नहीं रिपीट करनी है। तो पहले नो रिपीट दिखा देता हूँ मैं। नो रिपीट अगर आप करते हो तो ये एक बार ही दिखेगी बैकग्राउंड में, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर आपको रिपीट करानी है बट एक्स पे करानी है, हॉरिजॉन्टल
या फिर एक्स एक्सिस पे करानी है, तो आप एक्स करोगे तो ये जो इमेज है वो रिपीट होगी एक्स पे, और अगर ये वाई पे करते हो आप तो ये रिपीट होगी वाई पे। ठीक है, तो अगर आपकी इमेज थोड़ी छोटी होती तो यहाँ पे क्या होता, इसके नीचे भी आपको एक इमेज दिखनी शुरू हो जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो रिपीट को। इसके बाद आपके पास आता है अटैचमेंट, बैकग्राउंड जो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे, बैकग्राउंड अटैचमेंट। और यहाँ पे आप बता सकते हो कि जो अटैचमेंट है ये जब भी आप, आपका पेज अगर बड़ा है तो मूव हो जब होगा तो आपकी इमेज मूव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में आप इसको बता सकते हो। अगर आप मान लो इसको फिक्स करते हो तो आपकी जो इमेज है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। अगर आपका ये कंटेंट बड़ा है, आपका वेब पेज अगर बड़ा है, तो ये इमेज वहीं की वहीं फिक्स्ड रहेगी, ये मूव नहीं होगी। उसके लिए होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आता है जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इमेज की, वो है बैकग्राउंड पोजीशन, दिस वन। और यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हो कि ये जो इमेज है कहाँ दिखनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए अभी ये जो इमेज दिख रही है ये लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में दिख रही है, बट मुझे राइट साइड में दिखाना है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि ये इमेज राइट में दिखे, तो जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये इमेज आपको राइट में दिखेगी। ठीक है, अगर आप राइट टॉप करते हो इस तरह से तो इमेज राइट में और टॉप में दिखेगी, इस तरह से यहाँ पे दिखेगी। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड की इमेज जो है वो चेंज कर सकते हो, उसका उसका आप डायरेक्शन मतलब जो उसकी पोजीशन है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, जो अटैचमेंट है वो मूव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ अटैचमेंट आप चेंज कर सकते हो। इसका एक शॉर्टकट भी है, अगर ये सारे प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट आपको अलग अलग प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एक ही बार में आप लिखोगे बैकग्राउंड। ठीक है, इस तरह से बैकग्राउंड लिखोगे, और इसका जो तरीका होता है लिखने का वो ये होता है कि सबसे पहले आप बैकग्राउंड कलर बताओ, ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड इमेज बताओ, ओके। नेक्स्ट है आपको रिपीट करना है या नहीं करना है वो आप बताओगे, ये तीसरी चीज़ है। चौथी, इसका अटैचमेंट आप बताओगे, अटैचमेंट प्रॉपर्टी एंड नेक्स्ट पोजीशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हो, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो आपको दिखेगा कि ये सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे अप्लाई, कुछ इफ़ेक्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये इस कलर में इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने ये जो कलर दिया है ग्रे, ये बॉडी को दिया है, ना कि ये यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अगर शॉर्ट हैंड आपको यूज़ करना है तो एक बार में भी आप लिख सकते हो बैकग्राउंड, जिसमें से पहला होता है बैकग्राउंड कलर, दूसरा होता है आपका इमेज, तीसरा होता है रिपीट, अटैचमेंट एंड पोजीशन। इस तरह से आप सिंगली कंबाइन कर सकते हो। तो ये हमने देखा बैकग्राउंड कलर्स और बैकग्राउंड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ सीएसएस की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मार्जिन, पैडिंग एंड बॉर्डर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग।